माता जी। ये देखिए माता जी के मंदिर के परिसर में ध्वज, त्रिशूल, कंगन, लोखंड के हथियार ये सब चढ़ावा है। ये पूरे मंदिर का परिसर है, ये यहाँ का तालाब है, यहीं से पानी जाता है पूरे भरमौर गांव में। ये यहाँ के भक्तगण बैठे हैं सब, ये हमारे यात्री है जो बैठे हुए हैं, ये भी सब भक्त है जो आनंद ले रहे हैं यहाँ का। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आते आते गिलास पकड़ाओ, एक खट्टी चाय पिलो। हाँ जी, खट्टी चाय पिलो। आते 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 गिलास दो। आइए आइए, आता हूँ उधर, जरा थोड़ा रिकॉर्डिंग करके आ जाते। थोड़ी ज्यादा ली तो और थोड़ी मजा आएगी। थोड़ा कच्चा है, आप समझ गए होंगे इसमें क्या है। जय भोले की, जय भोले की। कैसी लगी मुंह? बुरा बना है आप? और एक कड़वी भी नहीं है। और एक और एक ये भजन चालू है माता जी के परिसर में। गांव के सभी लोग भजन ले कर रहे हैं और हम भजन का आनंद ले रहे हैं। ठंडी चाय लोकली ब्रूड अल्कोहल है जो माता जी के दरबार में सबको दिया जाता है प्रसाद के हिसाब से, और माँ कसम खतरनाक है। बोले वो पैक ले लो भैया।
आता दी। जय माता। भरमाणी माता जी के दरबार में हम खड़े हैं और आज यहाँ लंगर है। ये भाई साहब ये लंगर का आयोजन कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम? मैं ज्ञान सिंह ठाकुर, रिटायर्ड HS हूँ, रिटायर्ड कलेक्टर हूँ। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मैं माता जी के चरणों में आज इसका आयोजन किया है, भोजन का आयोजन किया है। जय माता दी। जय माता दी। इस लंगर में लगभग कितने लोग आएंगे? हमने तो काफी बुलाए हैं, जितने आएंगे श्रद्धा से जो आएंगे, ऐसी कोई लिमिटेड नहीं है। जो भी आए उनके लिए खुला। जैसे आपने हमको भी रोका है। बिल्कुल रोका है हमको भी। आपने बोला बिना खाए जाओ मत। बिल्कुल प्रसाद है, सबसे निवेदन करते हैं। हाँ जी, कि माता जी का प्रसाद है, माता श्री का प्रसाद है। हाँ जी, प्रसाद कर ग्रहण करके जाइए। आप जरा अंदर जाके हमको बताएंगे क्या क्या बन रहा है। ये देसी माँ की दाल है। हाँ जी, लोकल प्रोड्यूस है यहाँ का। हाँ जी, ये चने की दाल है। हाँ जी, ये मटर पनीर है। हाँ जी, और एक जो हमारी ट्रेडिशनल प्रथा है यहाँ। हाँ जी, माता को बकरे की बलि दी जाती है। अच्छा जी, तो उसका नॉन वेज भी हमने बताया। अच्छा जी, पर उसको हमने वेज और नॉन वेज से बिल्कुल सेपरेट रखा है। हाँ जी, हाँ जी, उसमें कोई कृषि उसका डिफरेंस वो नहीं है। अच्छा, टोटल अलग अलग आपने रखा है। हाँ जी, जो मतलब जो वेज खा रहा है उसको नॉन वेज का कुछ भी बर्तन भी नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ जी, शुक्रिया। और आप ये बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। हम सेवा नहीं, हम तो हमारी लोकल कुलजा माता हमारी कुल देवी है। अच्छा, तो इस करके हम यहाँ स्थानीय निवासी है। हाँ जी, यहाँ रोज माता जी का इतनी शक्ति है। हाँ जी, कि रोज यहाँ भंडारा लगा रहता है, कोई हर एक दिन। अच्छा, कोई यहाँ स्थानीय लोग जो है यहाँ भंडारा देते हैं। अच्छा जी, अच्छा, मतलब जो भी यहाँ दर्शन लेने आता है खाली पेट जाएगा नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगा। जय माता जी। जय माता, शुक्रिया जी। रिकॉर्डिंग चालू है। दबा दिया, बिल्कुल चालू हो गया। सबका निकाल रहा हूँ धीरे धीरे, वो हम भी घुमाएंगे। आपके तरफ घुमा लेना। ये लो। जय माता दी। जय माता दी। बहुत सबसे मोटा नेड़े आया ना, ये नहीं मेरे बोलने मतलब है। ये लो, मैं अपना इधर से लेता हूँ ना। आप मणिवेश जा रहे हैं? जा रहे हैं ना। खाना खा के मेरे से मिलना, मैं बताऊंगा क्या क्या देखना है। आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना। हो गया क्या और खींचना? अभी पूरा घुमा लिया। अब पीछे वाले यहाँ से आ रहे हैं, वो उधर से ले। Thank you.
वेज है नॉन वेज है क्या ला थोड़ा सा लो ऑफ कर दूं ये आप किन चुके अभी नहीं आप बंद कर दो। शाम के 4:15 बज गए। भरमाणी माता जी के दरबार से हम नीचे उतरे, वो आगे देखिए हमारे साथी जा रहे हैं। हम ऊपर आए सीढ़ी के रास्ते और हम नीचे जा रहे हैं गाड़ी के रास्ते। ये रास्ता करीब 5 किलोमीटर लंबा है, लेकिन ये चलने में मजा है और उतरन है। शंकर वहां पानी पी रहा है और ये नीचे देखिए भरमौर गांव। सूरज की किरणें उस पर गिर रहे हैं, कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए छोटे छोटे रास्ते आपको दिख रहे हैं, पहाड़ के उस तरफ भी है और पहाड़ के इस तरफ भी छोटे छोटे रास्ते हैं, जिसपे यहाँ के लोकल लोग घूमते फिरते रहते हैं। और ये एक ऐसा कच्चा रास्ता है जिस पर गाड़ी आती है भरमणी माता जी के मंदिर के द्वार तक। जय माता दी। ये झाड़ देखिए, कुल्लू के लोग टूरिज्म में आ गए। इसके रूट्स देखिए, ये बेस देखिए कैसा है। यहाँ नीचे सब निकल गया है, सपोर्ट काफी कुछ निकल गया है। ये कभी भी गिर सकता है। दीपक सर हम अभी किधर हैं? ये हम अभी माता जी के मंदिर से भरमौर की तरफ जा रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर, और यहाँ एक ओपन एयर टी स्टॉल में बैठे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं, लकड़े के लॉग्स के ऊपर बैठ के। वो टी का स्टॉल है अपना, और यहाँ पर शिव जी की बहुत अच्छी तस्वीरें लगी हुई है, टेंट भी है ये देखिए, और बगल में टेंट्स भी है, किसी को सोना है तो सो भी सकते हैं। जय माता दी, जय मणि महेश कैलाश, जय मणि महेश।